यूपी कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रही हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस के संकट को लेकर उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को बीजेपी यूपी के हैंडल से एक ट्वीट करते हुए पार्टी ने लिखा, प्रियंका गांधी जी आप गलत टाइम पर यूपी आ गई हैं। ये टाइम तो पंजाब जाने का था, पंजाब का टिकट बुक कर दें। बीजेपी ने इस सवाल के जरिए कांग्रेस पर पंजाब कांग्रेस के भीतर उपजे मतभेद को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने सवाल किया है कि जिस वक्त पंजाब में इतनी उठा पटक मची हुई है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आकर क्या करना चाहती है। देश के तमाम हिस्सों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच आगामी नवरात्र, दशहरा और दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हिंदू पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि इस बार दशहरे से पूर्व मनाए जाने वाली रामलीला के कार्यक्रम को खुले मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना का नियमों का पालन करते हुए ही दशहरा समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कानपुर में डिविजनल कमिश्नर रहे एक सीनियर आईएएस अफसर पर धर्मांतरण के नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगा है। कानपुर में मंडलायुक्त रहे सीनियर आईएएस इफ्तिकारुद्दीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल होने के बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वायरल वीडियो की जाँच के लिए एक टीम गठित कर दी है। पुलिस कमिश्नर की ओर से इस मामले की जाँच डीसीपी ईस्ट सोमेंद्र मीणा को सौंपी गयी है। पुलिस इस बात की जाँच करेगी कि आईएएस अधिकारी के वीडियो में कोई अपराध दर्शित होता है या नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को एक बार फिर बम से मार देने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी साक्षी महाराज ने पुलिस अधीक्षक को दी है। इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्नाव पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सक्रिय हुई सर्विलांस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। माननीय सांसद जी के द्वारा अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 391/21 धारा 295A 505/506 थाना सतीपुर में पंजीकृत किया गया है। उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता लगाते हुए उसको थाना सतीपुर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसका रिमांड युक्त धाराओं में लिया जा चुका है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने रविवार को धर्मांतरण के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के तीन अन्य साथियों मोहम्मद सलीम, हाफिज सिरदीस और कुनाल चौधरी को गिरफ्तार किया था। सोमवार को अदालत ने इन सभी को 7 दिनों की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। रिमांड की मियाद मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। रविवार को एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया था कि कलीम जहां भी धर्मांतरण के कार्यों के लिए जाता था, वहां ये सभी लोग उसके सहयोग के लिए साथ जाते थे। इस काम में सलीम 17 साल से और इदरीस 20 साल से कलीम का साथ दे रहा था। ये दोनों धर्मांतरण के लिए लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें इस्लाम में शामिल होने की दावत देते थे।